है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद, क्योंकि डेली डेली दोस्तों नहीं हो पाता है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है, टिफ़िन बनाओ, बच्चों को रेडी करो, इसको वो लोग को उठाओ जल्दी, तो हर जगह ट्राइपॉड और मोबाइल लेके नहीं घूम सकती हूँ। तो इसीलिए आज मैंने सोचा है कि बच्चों को स्कूल जाने के बाद ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो वो लोग स्कूल चले गए हैं और मैं किचन में आ गई हूँ सामान अरेंज करने, क्योंकि होता ये है ना कि जब आप बच्चों के लिए लंच बनाते हो, उनका नाश्ता तैयार करते हो, तो सारा सामान बिखरा हुआ रहता है। उस समय इतना भी टाइम नहीं रहता कि जो सामान जहाँ से निकाले उसे वहाँ प्रॉपर रख दे। तो उनके जाने के बाद फिर मैं निश्चिंत होकर सारे सामान को अरेंज करके रखती हूँ। जो बर्तन धोने के लिए है उसे सिंक में डालती हूँ, जो फ्रिज में रखने उसे फ्रिज में रखती हूँ, ऐसे करके सारे सामान को अरेंज करती हूँ। और ये गए हैं बेटा को छोड़ने के लिए। एक्चुअली घर से थोड़ी दूर छोड़ना, घर के सामने गाड़ी नहीं आती है तो थोड़ा सा आगे जाके छोड़ना पड़ता है। तो इनके आते आते मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद ये आएंगे तो फिर हम लोग दोनों साथ में चाय पियेंगे। तो चाय मेरी बनकर रेडी है, तो चलिए चाय पी लेती हूँ फटाफट। तो चाय पीने के बाद ये अपने काम में चले गए और मैं आ गई हूँ अपने काम में। जी हाँ, एक्चुअली बच्चों के जाने के बाद ही रियल में काम हमारा स्टार्ट होता है, ये क्लीनिंग और डस्टिंग, झाड़ू पोछा, ये सब का। तो बच्चों के बेडरूम आ गई हूँ उसे अरेंज करने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गंदे करके रखते हैं। मैं तो पता नहीं, मुझे लगता है दिन में 3-4 बार मैं इस रूम को क्लीन करती हूँ। कभी बेड में चढ़ेंगे तो बेड का हालत ख़राब। स्टडी टेबल है नाम का, वो कभी इसमें बैठ के पढ़ते नहीं है। मैंने काफ़ी शौक से बनवाया था कि बच्चे पढ़ेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं, वो सब पूरे घर घूम घूम के पढ़ते हैं, तो मैं तो इसी से परेशान रहती हूँ। तो बच्चों का रूम क्लीन करने के बाद मैं अपने बेडरूम आ गई थी और आज मुझे अपना बेडशीट चेंज करना है। उधर 2-3 दिन इतनी पानी थी, मौसम इतना ख़राब हो रखा था कि कपड़े धोने के बाद भी वो सूख नहीं रहे थे। तो इसलिए मैंने छोड़ रखा था कि जब मौसम पूरा अच्छा हो जाएगा तब मैं बेडशीट धोऊंगी, क्योंकि ये सब अच्छे से सूख जाते हैं तभी अच्छा रहता है, नहीं तो फिर वो नमी नमी वाला हल्का स्मेल रह जाता है भले ऐसे ही सूख जाए उसके बाद भी। तो इसलिए धूप रहने से मैं ऐसे कपड़ों को धोती हूँ ताकि अच्छे से प्रॉपर सूख जाए। तो पूरे घर को बड़े अच्छे से झाड़ दिया और अब आ गई हूँ किचन, क्योंकि सुबह मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया था, बट मैंने जो काउंटर पे उसे पूछा नहीं था। बर्तन वर्तन मैंने चाय बनाते के साथ ही धो लिया था, तो बर्तन धोने का झंझट नहीं था। तो बस काउंटर टॉप पोछना था और नीचे वाले कैबिनेट मुझे आज साफ करना है, क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाता है और गंदा होने से तुरंत दिखता भी है। तो डस्टिंग का काम ऑलमोस्ट हर तरफ हो चुका था, तो अब बस झाड़ू पोछा बाकी था। तो लगे हाथ मैंने झाड़ू भी करना स्टार्ट कर दिया और अब देख रहे हो आज भी इतना गंदा। मीन्स मैं डेली झाड़ू करती हूँ और पता नहीं इतना गंदा कहाँ से आता है, जबकि ऊपर घर ऊपर है घर, नीचे रहने से तो और भी ज़्यादा शायद गंदा रहता है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर में है बट फिर भी बहुत ज़्यादा गंदा रहता है घर, मैं तो परेशान रहती हूँ। और ये जो प्लांट है इसे मैं बाहर कर रही हूँ, क्योंकि घर के अंदर रखे रखे पता नहीं इसके पत्ता येल्लो हो जा रहा था और झड़ रहे थे येल्लो हो के, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और ये देखिए, ये है मेरा नया वॉशिंग मशीन। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मुझे वॉशिंग मशीन लेना है फुली ऑटोमेटिक, तो ये है IFB का और ये 7.5 kg का है और काफ़ी अच्छा है। तो अगर इसके बारे में आप लोग को डिटेलिंग अगर चाहिए होगी दोस्तों, तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, तो मैं इसके इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए कपड़े डाल के मैं इसे स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद मैं पोछा करने जाऊंगी। जब तक मैं पोछा करूँगी तब तक मेरा इधर कपड़ा धुल कर रेडी हो जाएगा।
और आज इतनी कड़ी धूप थी कि मैं तो आज थक गई काम करते करते। गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैं ऐसा लग रहा था कब जल्दी ये झाड़ू पोछा ख़त्म करके मैं शावर लेने जाऊँ। कभी कभी होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो काम करने में इरिटेशन लगता है। आज वैसे ही लग रहा था, पता नहीं वेदर कैसा हो रखा है। अभी के वेदर का कुछ कह नहीं सकते हैं। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, फिर शाम होते होते बरसात हो जाती है, तो अभी का वेदर ऐसे ही चल रहा है। तो इसी वेदर में तबीयत भी ज़्यादा इसलिए ख़राब होते हैं मौसम चेंज की वजह से। तो मैंने फटाफट झाड़ू पोछा किया और उसके बाद मैंने शावर ले लिया और मैं आ गई हूँ किचन, क्योंकि मैंने अपने लिए रोटी नहीं बनाई थी। बच्चों और हस्बैंड तो खा के चले गए थे और मैंने अपने लिए छोड़ दी थी, क्योंकि उतने मॉर्निंग में रोटी बनाओ और जब मैं खाती हूँ तो वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है, तो इसलिए मैंने जब खाऊँगी तभी मैं बनाऊँगी ऐसे करके मैंने छोड़ा था। तो मैं अपने लिए पराठा बना रही हूँ। पराठा मैं बहुत कम खाती हूँ, सादा रोटी ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। ऐसे बाई चांस कभी मन किया तो पराठा खाती हूँ। बच्चों के लिए बनाती हूँ, इनके लिए बनाती हूँ, बट मुझे पराठा उतना नहीं पसंद। मैं सादा रोटी ही खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और ये मैंने साइड में करेले निकाल के रखा है, क्योंकि नाश्ता करने के बाद फिर खाना बनाने में लग जाऊँगी। खाना बना बनाते बनाते ठीक बच्चों का टाइम हो जाता है, फिर छोटे वाले को मुझे लेने जाने पड़ता है थोड़ा रोड तक। तो फटाफट खाना नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ वापस किचन। इस करेले को कट करके बॉईल करने के लिए बैठा देती हूँ। थोड़ा सा बॉईल करके मैं ऐसे फ्राई करती हूँ। एक्चुअली दोस्तों करेली में थोड़ा सा कड़वापन रहता है, उस वजह से बच्चे खाने नहीं खोजते, तो इसलिए मैं नमक डालकर थोड़े से पानी में बॉईल कर देती हूँ और उसके बाद प्याज और टमाटर देकर अच्छे से फ्राई कर देती हूँ, तो बच्चे थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और ये देखिए इधर मेरा कपड़ा भी अच्छे से धुल चुका है, तो चलिए इसे फटाफट सुखा लेती हूँ। और इसी के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ दोस्तों, क्योंकि काम अभी बहुत ज़्यादा है, दोपहर का पूरा खाना बाकी है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों। तो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बाय। और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।